फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों को पूरे 2021 से 22 वित्तीय वर्ष में लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने घोषणा की कि बढ़ी हुई कीमतें इस साल 20 मई की अधिसूचना के माध्यम से 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेंगी। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञापन में कहा गया है, केंद्र सरकार ने डीएपी की बढ़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को समाहित कर लिया है। मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने एक विशेष एकमुश्त पैकेज में के रूप में प्रति बैग डीएपी की सब्सिडी को 438 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि किसानों को उसी कीमत पर डीएपी मिल सके। केंद्र सरकार ने एक विशेष पैकेज के रूप में सब्सिडी को 100 रुपए प्रति बैग बढ़ाकर सबसे अधिक खपत वाले 3 एनपीके ग्रेडों के उत्पादन के लिए कच्चे माल की बढ़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को समाहित कर लिया है, ताकि किसानों को इन एनपीके ग्रेड वाले उर्वरक सस्ती कीमत पर मिल सके। इस निर्णय से उर्वरक कंपनियों द्वारा किसानों को 600 से 800 रुपए की दर से बेचे जा रहे 500 किलोग्राम के एक बैग या कट्टे पे 73 रुपए की सब्सिडी भी उपलब्ध हो सकेगी। उम्मीद है कि केंद्र सरकार पीडीएम पर सब्सिडी के रूप में सालाना 156 करोड़ रुपए खर्च करेगी और 562 करोड़ रुपए मूल्य की विदेश मुद्रा की बचत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।